आप देख रहे हैं रफ्तार इंडिया, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली के नरेला जनता फ्लैट में लोग प्लान करने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना ही खाने की कोई सुविधा है। जो लोगों से हमने बात भी करी तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली सरकार कागजों में कर रही है। यहाँ की जनता के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाने पीने की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। हमने इन लोगों से बात की गई तो इन लोगों ने यही बताया। इसके बाद हमने नरेला में घूमकर देखा कि लॉकडाउन का कितना असर है कितना नहीं है। तो क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि नरेला में जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना वायरस एक बहुत ही घातक बीमारी है, इसमें आप रोड पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग घूम रहे हैं, जैसे पार्कों में सैर कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं। खूब देख सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें किसकी खामियां हैं ये तो सरकार तय करेगी या दिल्ली पुलिस तय करेगी कि क्यों इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, ये आपको देखना है। बाकी सब एरियो में लॉकडाउन का पूरा असर देखा गया। आप जाने का प्लान कैसे आया आपको? ऐसे सर, यहाँ राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा, दुकानें सारी बंद है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर पे यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। कितने सदस्य आपके परिवार में? हाँ सर, सभी जा रहे हैं? हाँ सर, वाला पल्लेदारी का काम करते हैं वो भी। यहाँ कोई राहत आपके लिए आई नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं आया सर, यहाँ से तो कुछ नहीं आया। आपका नाम? सुंदर देवी। आप क्यों जा रहे हैं? सर हमारे पति नहीं है, 3 साल हो गए गुजरते हुए। अच्छा। एक लड़का है उसको विकलांग पड़ा हुआ है, 6 महीने से विकलांग पड़ा हुआ है, 4 लड़कियों कमाने वाला कोई है नहीं, किराए पर रहते हैं। तो यहाँ खाने पीने कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? सर नहीं दे रहा ना, हम लोग का राशन कार्ड है नहीं, कुछ भी है, कुछ सुविधा यहाँ पर नहीं दे रहा है। कौन सी जगह है ये? जनता फ्लैट है नरेला में। हाँ जी, नरेला हो गया। हमारे बिहार के रहने वाले मुजफ्फरपुर। तो ऐसे पैदल ही जाओगे? क्या करेंगे सर, घर पे यहाँ भी कुछ राशन पानी दे रहा है, उधार नहीं कुछ कर रहा है, क्या करेंगे सर? आप यदि पैदल जाओगे तो रास्ते में काफी पुलिस वाले आपको रोकेंगे, तो उसमें जब हमारे कोई सुविधा नहीं क्या करेंगे सर? दिल्ली सरकार कह रही है हमने 5 लाख लोगों को खाना डेली दे रहे हैं। नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है अब तक यहाँ पे, कोई आपको कुछ नहीं आया? बस कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। कितने परिवार है टोटली आपके? 4 लड़की है, 1 लड़का विकलांग पड़ा हुआ 18 साल का लड़का है, पैर एक्सीडेंट हुआ है, वो भी घर में बैठा हुआ है सर। कुमार जी, ईश्वर दीन कुमार। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम जी गोंडा के रहने वाले। गोंडा के रहने वाले हो, क्यों जा रहे हो यहाँ से? सर यहाँ बंद है, फैक्ट्रियाँ होगी 10-12 दिन होने वाले हैं आज, तो खाने पीने के लिए सब मिल नहीं रहा। तो सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है, खाने पीने की सब चीज़ दे रही है, लेकिन आपको तक नहीं पहुँच पा रहा क्या? पहुँचा ही नहीं, यहाँ तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तक, यहाँ कोई कुछ नहीं लाया। ममता जी कहाँ की रहने वाली हो? यूपी के। तो आज प्लान करने का क्या सोचा आपने, क्यों जा रहे हो? सर लोग हम लोग गांव जाने जाते हैं, पैसे नहीं है ना हमारे पास, बच्चे दूध मांगते हैं, खाना मांगते हैं, कहाँ? लेकिन यहाँ तो अगर आप जाएंगे सर, दिल्ली पुलिस आपको जाने नहीं देगी, फिर कैसे जाए, कहाँ से खाए, कहाँ से बच्चों को खिलाए? यहाँ सरकार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है आपकी? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। हमारे पति नहीं है, 3 साल हो गए गुजरते हुए। अच्छा। एक लड़का है उसको विकलांग पड़ा हुआ है, 6 महीने से विकलांग पड़ा हुआ है, 4 लड़कियों कमाने वाला कोई है नहीं, किराए पर रहते हैं। तो यहाँ खाने पीने कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा सर नहीं दे रहा ना, हम लोग के राशन कार्ड है नहीं, कुछ भी है, कुछ सुविधा यहाँ पर नहीं दे रहा है। कौन सी जगह है ये? जनता फ्लैट है नरेला में। हाँ जी, कहाँ जाओगे आप? हमारे बिहार के रहने वाले, मुजफ्फरपुर। ऐसे पैदल ही जाओगे? क्या करेंगे सर, घर पे ही यहाँ भी कुछ राशन पानी दे रहा है, उधार नहीं कुछ कर रहा है, क्या करेंगे सर? आप यदि पैदल जाओगे तो रास्ते में काफी पुलिस वाले आपको रोकेंगे, तो फिर हम क्या करें सर, जब हमारा कोई सुविधा नहीं, क्या करेंगे सर? दिल्ली सरकार कह रही है हमने 5 लाख लोगों को खाना डेली दे रहे। नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। पूजा, कहाँ जा रहे हो आप? कौन सा गाँव पड़ता है आपका? बिहार। यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्यों प्लान कर रहे हो आप? कुछ है नहीं, खाने का रहेगा जब ही तो रहेंगे, नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे? सरकार तो कह रही है कि खाने को सब कुछ उपलब्ध कराइए। कुछ आया ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, क्या क्या खिलाएंगे बच्चों को?
चार दिन बाद मुझसे दूध नहीं पिलाए पैसे की वजह से, पैसा रहेगा जब तो पिलाएंगे, खाना रहेगा जब तो हम लोग खाएंगे। डेली कमाते हो डेली खाते हो? और डेली कमाने वाले हम लोग किसान किसान आदमी है, डेली कमाने वाले डेली खाने वाले, रहेगा जब तो खाएंगे। हेमा जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम सर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अच्छा तो आज जाने का प्लान कैसे आया आपके? ऐसे सर यहाँ राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा, दुकानें सारी बंद है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर पे यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। कितने सदस्य आपके परिवार में? पाँच है सर। सभी जा रहे हैं? हाँ सभी, घर वाला पलेदारी का काम करते हैं वो भी आजकल। यहाँ कोई राहत आपके लिए आई नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं आया सर यहाँ अभी तक, कुछ भी नहीं आया। मेरा नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह क्या परेशानी है, क्यों जा रहे हो? सर घर से निकलने नहीं दे रहे, रोजगार बंद हो गए, जाएं तो जाएं कहाँ, आदमी कमरे में मर जाए तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो दूसरे सामने वाले को पता कैसे लगेगा कि आदमी मरा है या जिंदा है? घर से निकलो तो पुलिस घूम रही है, कोराना घूम रहा है, कोराना घूमेगा तो भूखे ही मरेंगे कब तक? 90 दिन का अलाउंस किया है, 2 दिन के किसी के पास खाने के लिए भी खर्चा नहीं है। इतना बोलते हैं कि किसी ने 1500 करोड़ दे दिया, इतना दे दिया, उतना दे दिया, अरे कितना भी दिया हो, यहाँ कितने जितने आदमी हैं किसी के भी मुँह से ये पूछ लो कि भाई यहाँ वहाँ खाना बट रहा था, अभी तक इस एरिया नरेला विधानसभा के अंदर किसी ने ये नहीं सुना कि वहाँ खाना बट रहा है। क्यों नहीं बट रहा भाई, यहाँ लोग नहीं रहते, नरेला के तो रहते हैं, नरेला के लिए तो बांटो, बाहर वालों के लिए मत बांटो, यूपी बिहार जितना बाहर का है किसी के लिए कुछ भी मत बांटो, मगर कम से कम नरेला विधानसभा के लिए तो बांटो, जो हमें उनसे सीख ले लें, उनकी शायद उनके दया में आ जाए नरेला विधानसभा के लोगों के, तो शायद हमें खिला दो, हम तो ये कह रहे हैं। और जाने की, अरे जाएंगे तो जाएंगे, मगर जब तक है बाजुओं में दम जब तक टिके हुए, सीधी सी बात है, 4 पैसा है पटरी लगाता हूँ, अपना पेट पालता हूँ, उसमें भीख नहीं मांगता, मगर जितना मेरे पास पैसा है मैं उतना खा रहा हूँ, और मेरा खत्म पैसा हो गया मैं चला जाऊंगा। मैंने सरकार पे आज तक मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, पेंशन क्या मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती है, चाहे योगी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, गाते करते कुछ नहीं है, मिलता बहुत है, किसी को कुछ भी नहीं।